कुरे अर्ज की जो दर्ज हरारत है वो कौन से गैस की वजह से क्या होता है बल जाता है, यानी कि कौन से गैस जो हमारे अगर माहौल में ज़्यादा हो गया तो हमारे माहौल में जो है हमारे माहौल का जो दर्ज हरारत है वो ज़्यादा होगा कौन से, क्या आप किसके बारे में जानते हैं। यानी मुख्तलिफ़ क़िस्म के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह मुख्तलिफ़ क़िस्म के गैस से, लेकिन कौन सा गैस जो है उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए अगर माहौल में ग्लोबल वार्मिंग जो होता है बढ़ जाता है हर साल, और मुख्तलिफ़ क़िस्म के जो क़ुतबी यानी कि जो एरियाज़ है उनमें जो बर्फ़बारी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बर्फ़ कम होती है, बारिश होती है लेकिन गर्मी की वजह से बर्फ़बारी और इस तरह हमारे जो क्या नाम है जो क्या चीज़ है इनको ग्लेशियर्स वगैरह क्या किस चीज़ के नाम से जानते हैं, जो ग्लेशियर्स भी कम होते हैं साल साल हर साल, और इसी तरह आखिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पानी जो है वो ग्लेशियर्स वगैरह से आना बंद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया की जो गर्मी उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाहिए। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। मैं आपके साथ तीन चार मेन मेथड शेयर करूंगा और अगर आप इन तरीकों को यूज़ किया आप भी इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जो यानी कि इस दुनिया में जो इसके इस मकदार में जो ज़्यादती है इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि पहला मेथड प्लांट लगाते, जब प्लांट आप लगाते तो वो क्या करता है, जिस तरह हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन बाहर क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह वो क्या करते हैं जो प्लांट्स है वो यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं वो रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। और इसी तरह हम अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में कम होगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड जिन्हें फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह है इनको क्या करना चाहिए, इनको मतलब सही तरीक़े से यानी उनको बिजली से इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे एनर्जी से, बल्कि इनको न के मतलब हम ज़्यादा पेट्रोल डीजल वगैरह इस तरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है माहौल में यानी कि इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और भी मुख्तलिफ़ क़िस्म के मेथड है उनको यूज़ करके, और जितने भी गंदे वगैरह होते हैं इनको हमें क्या करना चाहिए, कोई ज़मीन के अंदर मतलब दफन करना चाहिए, मतलब गंदी वगैरह बहुत से चीज़ें होती है इन हम सबको क्या करते हैं जलाते हैं, और हमको जलाने से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और वह हमारे लिए ही नुकसानदेह है। वो क्या होता है, मुख्तलिफ़ क़िस्म के जहरीले गैस भी इनमें शामिल होते हैं, वो जब बारिश के साथ मिलकर फिर ज़मीन में आ जाती है और दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो एसिड ड्रेन भी इस वजह से होती है, इस वजह से इनको कम करने की ज़रूरत है। राइट, सो ये थे सम मेथड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है गर्मी की दर्ज हरारत को। यहाँ पर ऑप्शन दी गया हमें, बोल रहा है कि कौन से गैस कुरे अर्थ की हरारत को बढ़ाती है, ऑक्सीजन या कि नाइट्रोजन या कि अमोनिया के कार्बन डाइऑक्साइड, न कि ऑक्सीजन न कि नाइट्रोजन न कि अमोनिया बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है कुरे अर्थ की जो हरारत इसको बढ़ाती है। राइट,